गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जब हनुमान जी सीता मैया का पता करने जा रहे थे तो उन सभी जो सीन थे उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सी फोटो है। सिक्किम ट्रिप पर गैंगटोक में पहला दिन बहुत शानदार था। गाइस गैंगटोक में पहले दिन हमने लोकल साइट सीन्स कवर किए और रोपवे भी एंजॉय किया। इसके बाद शाम को गैंगटोक एमजी रोड में बारिश भी एंजॉय की और ये फैमिली ट्रिप बहुत ही बेहतरीन मेमोरीज वाली बनाई। दोस्तों अगर आप ट्रेन से सिक्किम जाते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल रेलवे स्टेशन, वहां से टैक्सी या बस से गैंगटोक पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। गाइस हमारा होटल था होटल सिद्धि विनायक रेजेंसी जो कि एमजी रोड के बहुत पास था और हमने पहले से बुक कर रखा था। और हमारा रूम बहुत ही साफ सुथरा था, विंडो के सामने का लुक ऑसम था और वॉशरूम भी क्लीन था। पहला साइट सीन हमारा बक्तंग वाटरफॉल था जो बहुत ही सुंदर था। काफी सारे टूरिस्ट की भीड़ थी, खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। ज़िपलाइन एडवेंचर भी 100 रुपीज चार्ज करके कर सकते थे। वाटरफॉल के सामने का व्यू बहुत ही शानदार था। सेकंड साइट सीन था हमारा गुमजुद मोनेस्ट्री। कहा जाता है ये गैंगटोक शहर से 6066 फीट की हाइट पर है। गुमजुद मोनेस्ट्री सिक्किम की पॉपुलर मोनेस्ट्रीज में से एक है। अंदर की हम लोग पिक्स आपको नहीं दिखा पाए, वहाँ की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट अंदर फ़ोटो खींच रहे थे बट मुझे ठीक नहीं लगा कि कोई अगर चीज़ लिखी हुई है तो उसको माननी भी चाहिए। तो गाइज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल था वहाँ, जो वाइब थी बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव थी और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब भी गैंगटोक आएँ तो गुंजन मोनेस्ट्री ज़रूर आएँ। 2 पॉइंट में 2 घंटे हो गए, अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे नहीं तो हमारे बाकी के पॉइंट्स रह ही जाएंगे। तो गाइस तीसरा पॉइंट हमारा था तासी व्यू पॉइंट, लेकिन हम लोगों ने उसे स्किप कर दिया क्योंकि थोड़ा सा बारिश का माहौल है और फॉगी है यहाँ पे, तो कुछ वहाँ पे कंचनजंगा का व्यू। तो गाइज आप लोग पीछे देख रहे हैं हमारे एक वाटरफॉल, ये हमारा चौथा व्यू पॉइंट है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन।
लाशा वाटरफॉल के बाद हमारा अगला साइट सीन था प्लांट कंजर्वेटरी। प्लांट कंजर्वेटरी में सुंदर से तालाब थे और जहाँ भी आंखें जाती हैं हरियाली ही हरियाली थी। इस प्लांट की सुंदरता देखने लायक थी। आप जब भी आए गैंगटॉक तो प्लांट कंजर्वेटरी को जरूर घूमें। जी हम लोगों को घूमते घूमते लगा ही है भूख और हम लोगों ने की है मैगी ऑर्डर और हम लोग मैगी खाने जा रहे हैं। तो जी प्लांट कंजर्वेटरी अब घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट में और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है कि खूब सारे पहाड़ दिख रहे हैं और पहाड़ों के बीच खूब सारे घर दिख रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट साइट सीन की ओर जो कि है गणेश टोक टेम्पल। ये मंदिर भगवान गणेश जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर भी थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाला माहौल है। और ये है गणेश टोक मंदिर के टॉप का व्यू जहाँ से कंचनजंगा की माउंटेन्स बहुत ही क्लियर दिखती हैं, लेकिन बारिश की वजह से इस समय नहीं दिख पा रही हैं, लेकिन फिर भी ये बादलों का गुब्बारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो जी गणेश टोक मंदिर में दर्शन करने के बाद बहुत ही मन को शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है और मंदिर के पीछे एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर भी है, हम लोगों ने वहाँ पर भी दर्शन किए। बहुत ही प्यारा जो है यहाँ का दृश्य है। तो अब हम लोग आ गए हैं हनुमान टोक मंदिर। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ये जब हनुमान जी सीता मैया का पता करने जा रहे थे तो उन सभी जो सीन थे उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो है, ये है जब हनुमान जी लंका पहुँच गए थे और उन्होंने अशोक वाटिका में सीता मैया का पहली बार दर्शन किया था।